हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ अमेजिंग से आईज हैक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समर स्टार्ट हो चुकी है, और समर स्टार्ट होते ही हमारे बच्चों को या हम बड़ों को भी काफ़ी सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि घमोरियाँ हो जाती हैं बच्चों को, और रैशेज हो जाते हैं, सन टैन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ही आज मैं आपको अमेजिंग से आईज हैक्स बताने जा रही हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बर्फ़ लगाने से हम काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी इससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी दोस्तों मैं आज हैक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही ईजी है, और कैसे आप आइस पैक को घर में ही बना सकते हैं, और किस किस तरीके से आप आइस को इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबके अलग अलग तरीके मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज जो मैं आपको दोस्तों जितने भी हैक्स बताने जा रही हूं, इन सभी हैक्स को ऑल स्किन टाइप वाले लोग कर सकते हैं, यानी कि बच्चे भी इसे ट्राई कर सकते हैं और बड़े भी ट्राई कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि बर्फ जो है ऑयली स्किन में जल्दी से ऑयल नहीं आने देती है, इसीलिए इन आइस हैक्स को ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, और बर्फ लगाने से हम काफी सारी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हैक नंबर वन। और ये देखिए, मैं इस बाउल में ये जो मैंने आइस क्यूब ली है, ये देखिए, इसमें मैं हाफ लेमन स्क्वीज कर दूंगी, क्योंकि लेमन भी आपकी स्किन में रिफ्रेशमेंट देता है। आप चाहें तो इसके बीज निकाल सकते हैं, बट मैंने नहीं निकाले हैं। और अब मैं इसमें एक ग्लास वाटर ऐड कर लूँगी ताकि मेरा फेस इस बाउल में अच्छे से डिप हो जाए। और अब मैं इस बाउल में अपने फेस को अच्छे से डिप कर लूँगी। आप चाहें तो इस आइस क्यूब को अपने फेस पर डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बर्फ लगाने से हमारी काफी सारी स्किन प्रॉब्लम दूर होती है। और अगर आपकी स्किन पर है दाग धब्बे, ब्लेमिशेस, झुर्रियाँ, झाइयाँ वगैरह अगर आपकी स्किन पर है, और आपकी स्किन अगर टैनिंग हो गई है, तो इन सारी प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं और इस आइस क्यूब को कैसे बनाना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आपने लेना है ग्रीन टी आइस क्यूब। बनाने के लिए आपको एक पैन में गर्म पानी कर लेना है, ये देखिए, एक ग्लास गर्म पानी ले लीजिए। अगर आप चाहें तो लूज ग्रीन टी आती है जो, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये जो सैशे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस वक्त, तो आप इस सैशे को भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप इसे सीजर से कट कर लीजिए, और इसके बाद आप इसे, ये देखिए, तो जब आपका पानी अच्छे से बॉयल हो जाए, पानी में उबाल आ जाए, तब आप इसे छान लीजिए और ठंडा होने के लिए रख लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इस पानी को छान लिया है अच्छे से, और अब हम इस पानी को ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, ग्रीन टी वाला जो पानी था वो ठंडा हो चुका है, मैंने इसे ग्लास में निकाल लिया है। और हमें ये आइस क्यूब जमाने के लिए चाहिए पुदीने की फ्रेश लीव्स, तो मैंने इसे अच्छे से धो के रख लिया है। और ये देखिए, इसे हाथों से ही मैंने क्रश कर लिया है, और अब मैं इस आइस ट्रे के अंदर की थोड़ी थोड़ी लीव्स मैं इसके अंदर रख दूंगी जी। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये पानी भी डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रेश एलोवेरा लीव्स ले लिए हैं, और मैं इसे अच्छे से पील करने के बाद इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लूंगी अच्छे से, और इसका एक जूस बना लूंगी। और ये देखिए, मैंने एलोवेरा जूस निकाल लिया है, और अब मैं इसे आइस ट्रे में जमने के लिए रख दूंगी। और अब मैं इसे कुछ देर के लिए जमने के लिए रख दूंगी। और आप देख सकते हैं कि ये वाली जो मिंट की आइस क्यूब्स हैं, ये जम चुकी हैं, ये देखिए, और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और ये है एलोवेरा आइस क्यूब, तो ये देखिए। और इसकी खुशबू भी बहुत ही रिफ्रेशिंग है।
आप चाहें तो एलोवेरा वाली भी यूज कर सकते हैं। अभी जो आपने देखा कि मैंने आपको ग्रीन टी और मिंट के लीव्स किया, जो मैंने आइस क्यूब्स आपको बनाने बताए हैं, जब भी आप समर में बाहर से आए तब भी आप अपने बच्चों को भी और खुद पर भी अपनी स्किन पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका सनटैन की प्रॉब्लम दूर होगी और आपकी दाग धब्बे रैशेज ब्लेमिशेज जितने भी आपके फेस पर हैं वो भी ये रिमूव करेगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और जब भी आप इसे इस्तेमाल करें तो एक छोटा सा पैच टेस्ट जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। और इस स्टेप में हमें चाहिए रॉ मिल्क और आइस क्यूब। तो ये देखिए, मैंने रॉ मिल्क ले लिया है एक बाउल में और इसमें मैं एक आइस क्यूब डाल रही हूँ और इस आइस क्यूब को अच्छे से इस मिल्क में डिप करने के बाद आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। और इस स्टेप को भी हमें 2 से 3 मिनट तक अप्लाई करना है। और जब भी आप ये रॉ मिल्क और आइस क्यूब वाला स्टेप करें गाइस, वैसे तो आप इस स्टेप को विंटर्स में और समर्स में दोनों में ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आप समर्स में मेकअप करने से पहले यानी कि मेकअप करने से 5 या 10 मिनट पहले इस स्टेप को करते हैं तो जो आपका मेकअप है वो पसीने की वजह से जल्दी खराब नहीं होगा और ना ही आपके फेस पर जल्दी से पसीना आएगा। और इस आइस क्यूब को अपने फेस पर लगाने से आपकी स्किन में बहुत ही अच्छी चमक आएगी, ग्लोइंग बनेगी आपकी स्किन और आपकी जितना भी फेस पे प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड वो सभी ये दूर करेगा। और हैक नंबर 4 मेरा यहाँ पर है, अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ले लीजिए एलोवेरा जेल और एलोवेरा जेल से आप अपने फेस पर 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए। देन इसके बाद एक आइस क्यूब लेकर अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। तो ये देखिए, मैं पतंजलि के एलोवेरा जेल से अपने फेस पर मसाज करूंगी। अब आप चाहें तो डायरेक्ट प्लांट वाली एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 मिनट तक मसाज कर ली है और अब आप एक आइस क्यूब ले लीजिए। और इसके बाद आप अपने टॉवल या नैपकिन से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी स्किन फ्रेश लग रही है और बहुत अच्छा ग्लो भी आ गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हैक। और नेक्स्ट जो मेरा हैक है वो ये है कि आंखों की सूजन हो या आंखों में जलन हो या आंखों में थकान हो जाए तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो बच्चों को ऐसे में पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा थकान या जलन महसूस होने लगती है या काफ़ी बार उनकी आँखें सूज भी जाती हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 कॉटन बॉल ले ली है, ये देखिए, और इसे थोड़ा सा स्क्वीज कर लीजिए और इसे आप कुछ देर के लिए अपनी आँखों पर रख लीजिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते वक्त हमारी आंखों में थकान होने लगती है या जलन होने लगती है, तो ऐसे में आप 2 कॉटन बॉल ले लीजिए और इसे आइस के अच्छे एकदम चिल्ड वाटर में डिप कर लीजिए। उसके बाद आप उसे थोड़ा सा स्क्वीज करने के बाद अपनी आइस पर कुछ इस तरीके से रख लीजिए और जितनी देर आप रख सकते हैं रख लीजिए। तो आपने देखा मैंने इसे 2 से 3 मिनट रखा और मेरी आंखें काफ़ी फ्रेश फील कर रही हैं और आंखों में थकान जो महसूस हो रही थी वो भी अब नहीं हो रही है। और इस स्टेप को भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पर नेक्स्ट हैक मेरा ये है कि अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं या अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा आपको जलन टाइप कुछ महसूस हो रहा है तब भी आप अपने छालों वाली जगह पर बर्फ़ को लगाकर रख सकते हैं। इससे आपको तुरंत ही आराम मिलेगा और आपके छाले भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हैक। और नेक्स्ट हैक मेरा यहाँ पर है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम गर्ल्स को आफ्टर शेविंग यानी कि जब हम अपने अंडर आर्म्स को शेव करते हैं तो वहाँ की स्किन जो है ब्लैक हो जाती है या वहाँ पर रैशेस हो जाते हैं, डार्कनेस हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक आलू ले लीजिए और उसे अच्छे से पील करने के बाद उसे आप अपने अंडर आर्म्स पर 2-3 मिनट तक रब कीजिए, अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद आप अपने अंडर आर्म्स पर एक आइस क्यूब लगा लीजिए, इससे वहाँ की स्किन डार्क भी नहीं होगी और अगर कोई रैशेस हो गए हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे और आपकी स्किन को भी सूथ करेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हैक। और नेक्स्ट हैक मेरा यहाँ पर है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को जब हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या हम बड़े भी कभी इंजेक्शन्स लगवाते हैं तो वहाँ पर अक्सर हमें पेन बहुत होता है, तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए इसमें। तो वहाँ पर आप एक आइस क्यूब लगा लीजिए उस इंजेक्शन पर, तो वहाँ पर आपको तुरंत ही आराम मिलेगा, पेन नहीं होगी आपके इंजेक्शन्स में। तो चलिए अब मैं एंड में आपको आइस के बेनिफिट्स बता देती हूँ कि ये हमारे रंग को निखारते हैं। जब भी हम बर्फ़ अपनी स्किन पर लगाते हैं तो ये हमारे टेक्सचर को इम्प्रूव करता है यानी कि हमारे रंग को निखारता है, झुर्रियों को मिटाता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, प्लस ये हमारी मुरझाई हुई त्वचा में जान लेकर आती है, निखार लाती है। इसलिए आइस ज़रूर लगाइए। और जब भी आपकी स्किन में इचिंग हो, किसी को भी आपके घर में अगर इचिंग होती है स्किन पर, तब भी आप उसे आइस लगा सकते हैं, वो भी इंस्टेंट आराम देगी आपको। और अक्सर हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि जब भी हम किचन में काम करते हैं तो हमारी फिंगर जो है कट जाती है, तो ऐसे में आप बिल्कुल चिल्ड वाटर में अपनी फिंगर को डिप कर लीजिए जहाँ पर भी आपको
कट लगा है, तो ऐसे में आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा और पेन भी नहीं होगी। तो ये थे मेरे गाइज आज अमेजिंग से आईज हैक्स, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और इन सभी हैक्स को सभी ट्राई कर सकते हैं और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। बर्फ़ क्योंकि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देती है, क्योंकि आखिर है तो पानी ही और पानी से कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये मेरे अमेजिंग से हैक्स पसंद आए होंगे और मेरी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ और अमेजिंग से वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।